गुरुद्वारे के नाम पर लोग पहुंचते हैं। आप लोग इस वक्त सीसीटीवी में देख पा रहे हैं किस तरह से 5 लोग एक घर के बाहर पहुंचते हैं और गुरुद्वारे के नाम पर जो है दान लेने के लिए। तो आप लोगों को पता है त्योहार का वक्त चल रहा है तो हर कोई इस तरह से पहुंचता है, एक घर के बाहर यहाँ पर पहुंचते हैं जिसमें आप बुजुर्ग व्यक्ति भी देख पा रहे हैं। लेकिन जब आप ये पूरी घटना को सुनेंगे आपका दिल जो है झकझोर जाएगा, क्योंकि यही 5 लोग जो है ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। जी हाँ, ये 5 लोग जो आपको दिखने में शायद काफी शरीफ लग रहे होंगे, आप लोगों से अपील, इस वीडियो को ध्यान से देखें, इन लोगों के चेहरे ध्यान से देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है इनका अगला शिकार आप लोग भी हो सकते हैं। घर में महिलाएं जो है उस वक्त अकेली मौजूद थी और ये पहुंचते हैं, आप लोगों को पता है गुरुद्वारे की तरफ से दान लेने के लिए आते हैं और हर कोई धर्म के नाम पर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, लोग सोचते हैं कि हम कुछ करें। तो जिनके घर में ये हुआ इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं, आंटी जी यहाँ पर मौजूद हैं, आंटी जी से बातचीत करते हैं। आंटी जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ हुआ था? इस संडे को सुबह 8 बजे आए, बेल बजाई है, मैंने अपने कैमरे से देखा इस गुरुद्वारे के लोग हैं, भी चलो गुरुपुर आने वाला है, लेने आए होंगे, तो मैंने कहा चलो गुराई लेने आएंगे, मैं दे देती हूँ। मैं 1100 रुपए लेके नीचे उतरी हूँ, उनको 1100 रुपए दिए हैं गेट खोल के। तो फिर वो मुझे कहते हैं अरदास कर दें, तो मैंने कहा कर दो। फिर वो कहते हैं कि ऊपर आके अरदास कर दें, तो मैंने कहा कर दो। ऊपर आ गई है, अरदास की है, मेरे गले में ये डाला है पटका, और फिर मुझे कहते हैं कि हम 1100 नहीं 11000 लेंगे। मैंने 11000 दे दिए, दूसरा कपड़ा खुला उसमें रख दिए। फिर कहते 21000 लाओ, मैंने 21000 ला के दे दिए। फिर कहते 11000 और 21000 और लाओ, मैं कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैंने नहीं देने। फिर कहते नहीं हम आपको वापस कर देंगे। फिर मैंने 11000 ला के और दे दिए। फिर मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया कि अपना फटाफट वो चले गए। 20-25 मिनट रुके हैं ऊपर, और तो आपको सम्मोहित कर दिया था लग तो ऐसी रहा, मुझे नहीं पता चला। तो कितने कितनी की लूट हुई है? 40-50 हजार के बीच, 40,000 की हुई है। 40,000 से ऊपर की जो है ठगी हुई है। किस तरह से सम्मोहित कर दिया गया कि उन लोगों को पता तक नहीं चला। मैं आपको ये कपड़ा दिखा देना चाहूंगी, ये सरोपा जो है ये डालकर अरदास का कहा गया कि हम अरदास करेंगे। आंटी जी हालांकि 1100 रुपए लेकर नीचे जाती हैं कि मैं उन्होंने पहले सीसीटीवी से देख लिया, लेकिन वो लोग कहते हैं हम ऊपर आकर अरदास करेंगे, लेकिन वो जब ऊपर आते हैं तो 11,000 की डिमांड की जाती है, उसके बाद 21,000 की डिमांड की जाती है और ये कहा जाता है कि हम आपको वो वापिस कर देंगे। लेकिन किस तरह से उन्होंने मोहित किया कि ये 5 व्यक्ति जो इस वक्त आप सीसीटीवी फुटेज में देख पा रहे हैं बहुत ही शांति से बहुत ही आराम से आते हैं और आप डायरेक्ट सिर्फ इसी घर के यहीं पर आते हैं, कहीं और इनको जाते हुए नहीं देखा गया। तो हो सकते हैं कि आप पहले से जानते थे, क्या कुछ इन लोगों को इस परिवार के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन आप लोगों से ये दिखाने का हमारा यही एक मकसद है कि आप लोग भी सचेत रहें, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास भी इसी तरह से ये ग्रुप जो है घूम रहा हो, आपके घर भी पहुंचे, आपके मोहल्ले में पहुंचे और आप लोगों से भी कहें कि गुरुद्वारे के नाम पर या किसी भी नाम पर आप उन्हें दान दे, अरदास करवाई जाती है। और हर कोई सोचता है कि हर कोई अपनी कमाई से सोचता है कि कुछ ना कुछ हम धार्मिक कार्यों में यूज किया जाए, लेकिन इस तरह से अगर लोग आकर सम्मोहित करके इस तरह से ठगी करेंगे, तकरीबन 40 से